बचे हुए काले चनों के साथ कबाब ऐसे खा के आ जाए जिसको मजा मजा मजा। नींबू और चाट मसाला डाल के जो कबाब का टेस्ट आता है ना यार, ये एक बार मेरे कहने पे बना के देखो। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम कुकिंग पाजी, और आज हम लोग बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर काले चने के कबाब। और ये कबाब बनते हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी, एंड बेस्ट पार्ट इज 5 मिनट में बन जाते हैं, जीरो मेहनत, अगर आपके घर में ऑलरेडी कबाब बने, काले चने बने हो तो। लेट्स बिगिन, दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज़्यादा बनाओ। 2 कटोरी मेरे पास काले चने पड़े हुए हैं, रसीले वाले, रस्सेदार वाले, जैसे इसकी ये ग्रेवी है। अगर आपके पास ड्राई वाले हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये जो ग्रेवी है, इसके अंदर मम्मी ने बनाते टाइम इसमें पानी डाला था तो इसमें ग्रेवी होगी। आपके घर में अगर ड्राई बने हैं तो उसमें पानी कम डाला होगा। मसाले सारे होते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये काले चने निकालने हैं। ये काले चने लिए मैंने, मैं करीबन 1 कटोरी का भी बनाता हूँ आपको, 1 कटोरी से आइडिया भी लग जाएगा कितने कबाब बनेंगे। और ये एक, आपके पास अगर ग्रेवी हो तो डालना, पानी का भी बताता हूँ, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सी डाल लो। अब आपको लगेगा ये तो सारे कबाब गड़बड़ हो जाएंगे, पानी डाल दिया इस बंदे ने, ये पानी का भी सॉल्यूशन बताऊँगा। इसमें डाल रहा हूँ घर की बनी हुई हरी चटनी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स घरों में होती है, और अगर नहीं भी हो तो बनाने में 2 मिनट लगता है। धनिया लो, पुदीना लो, मिर्ची लो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, थोड़ी सी लाल मिर्च डालो, बस ये एक बड़ा चम्मच भर के मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ। ये बिल्कुल ही लेफ्ट ओवर वाली रेसिपी है, लिटरली मैं भी इसको 5 मिनट में बनाने वाला हूँ। और ये है जिससे मेरे को बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैंने 1.5 बड़ा चम्मच लिया है, पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दूंगा। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी आमतौर पर नमक होता है, मतलब नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती, और चटनी में भी मेरे नमक डला हुआ है, छोले में तो मेरे ऑलरेडी नमक डला हुआ था, काले चनों में ऑलरेडी नमक डला हुआ था, तो मैं नमक इसमें नहीं डाल रहा। बस अब इसको लिड बंद करके पीस रहा हूँ। मिर्ची डालना भूल गया था, 3 छोटी छोटी मिर्चें ली हैं, अगर बड़ा साइज होता तो 1.5 लेता, बट क्योंकि ये बहुत निक्के निक्के से हैं तो मैं 3 ले रहा हूँ। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं मिर्ची ज़्यादा खाता हूँ, ये मेरे फ्लेवर प्रोफाइल के हिसाब से है। कबाब बनने से पहले उसमें मिर्ची, कबाब बनने के बाद नींबू और चाट मसाला डाल के जो कबाब का टेस्ट आता है ना, साथ में प्याज कटा हुआ हो, बेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक नॉनस्टिक पैन ले लेता हूँ, आपके पास नॉर्मल पैन है वो भी चलेगा। पैन कर रखा है एकदम लो पे, और सारा का सारा बैटर पैन में डाल देना है। आई नो कोई भी ऐसे नहीं करता, बट मैं करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है मेरे को तो ऐसे करने में। घर में जब काले चने खा खा के बोर हो जाते हैं ना अगले दिन, तो मैं बनाता हूँ ये चीज़, काले चने के कबाब। ये 1 कटोरी काले चने से इतने सारा बैटर बन गया, जिससे अराउंड 1, 2, 3, 4 और 5 कबाब बन जाएंगे आपके, विच इज़ गुड फॉर 1%। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दरा दरा सा काले चने रह गए हैं, ठीक है, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा भुनो फ्राई करना है, थोड़ा आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पक जाएगा और इसके अंदर ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसका इनिशियल कलर देखो अभी ऐसा है। इस स्टेज पे मैं इसको शेप करने की कोशिश करूँगा ना, मेरे हाथ भी चिपक जाएंगे और ये शेप भी नहीं होगा, अजीब सा कुछ कुछ बन जाएगा, टेक्सचर भी सही नहीं आएगा। और मैं इसके अंदर अगर बेसन डाल देता हूँ तो ये हार्ड हो जाएगा, वो सॉफ्ट कबाबिश फ्लेवर जो है नहीं आएगा। सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके अंदर बेसन ना ऐड करो, और इसको थोड़ा सा, मेरे को तो यही तरीका आता है, थोड़ा सा पैन में डाल के चला लो ताकि इसका पानी सूख जाए। नाउ गेट इट ऑफ द गैस, एक प्लेट लेंगे, बिल्कुल ही DIY कर रहे हैं, बहुत ही खुराफाती सा आइडिया आया था कि ये भी आपको दिखाते हैं। नाउ इसको ठंडा होने की वेट करते हैं और फिर इसके कबाब बनाएंगे, और फिर इसी पैन के अंदर थोड़ा सा घी लगा के इसको क्रस्ट देंगे। अब ये मेरा कबाब का बैटर रेडी हो गया, जो एकदम मुलायम है, मुलायम, पर इसके अंदर मैंने 0 एफर्ट करा है, मतलब थोड़ा सा, 5%, 2%, 1%। इसको भी मैं थोड़ा स्प्रेड कर देता हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, बस ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, बस इतना करना है कि मैं इसको हाथ से अपने मैनेज कर सकूँ। वही पैन लिया, उस पर हल्का सा ऑयल या घी ब्रश कर दिया मैंने, तो अब क्योंकि क्रस्ट चाहिए, मैं इसको अवॉइड भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मेरे को क्रस्ट चाहिए, सो आई ब्रश इन सम ऑयल,
गैस को मैं थोड़ा सा मीडियम हाई पे करूँगा। अब देखो हाथ से लिया, हाथ भी कुछ नहीं करा मैंने, हाथ पे कुछ ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं करा। ये देखो कितना इजीली ये कबाब आ गया, और ये शेप देखो इसकी, और ये इधर वन इज़ डन। डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा खाना है, कैसा चाहिए, बस साइज़ अपने आप डिसाइड करो, शेप अपने आप डिसाइड करो। तो बोला था ना पांच बनेंगे, ये लो पांच ही बने हैं। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फ्लेवर। हल्का सा मैं ऑयल ऊपर ब्रश कर दूंगा। काफी इम्प्रॉम्प्टू काम हो रहा है। ये देखो केयरफुली एनालाइज दी शेप्स। अगर आप बेसन डालते हो ना आपका कबाब ऐसा बनता है, आपका कबाब ऐसा बेसन डालने के साथ बन जाता है, पर उसमें वो सॉफ्टनेस नहीं आती। यार ये एक बार मेरे कहने पे बना के देखो, जस्ट एब्सोल्युटली, बस इतना ही मेरे को ब्राउन करना है। अब मैं इसको थोड़ा वो भी कर सकता हूँ, पिचका भी सकता हूँ। ओके प्लेटिंग टाइम। एक प्याज ऑप्शनल, बहुत टेस्टी लगता है। इसके लंबे लंबे टुकड़े काट दूँगा। मर्जी है आपका, कबाब डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। लेमन वेज ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगता है। एक लेमन वेज डालूंगा, एक लेमन वेज सजाने के लिए रखूंगा बस, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी शोशेबाजी भी ज़रूरी है। कबाब की साइड्स यूज़ योर गुड ओल्ड हैंड्स इफ़ यू कैन। हाँ बहुत गर्मी लग रही है अगर, तो डोंट बी सो डेयर डेविल, यूज़ अ स्पैटुला। कबाब्स आर रेडी टू बी सर्व्ड। लुक एट दैट ब्यूटी, गेट एक खूबसूरत सी दिखने वाली प्लेट। पुट इन सम प्याज, और दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कबाब शुड बी वेरी गरम। फाइव पीसेस ऑफ कबाब, हल्का सा नींबू है स्प्रेड ऑन इट। दिस स्टेप इज वेरी क्रूशल, गरम गरम कबाब पे करना है, हल्का हल्का नींबू डालना है सब पे। ये लेफ्ट ओवर काले चने का बनाया हमने, कैन यू बिलीव इट, इन लेस देन 10 मिनट्स। हल्का सा चाट मसाला गरम गरम कबाब पे डालेंगे ताकि चिपक जाए, नींबू डाला हुआ और अच्छे से चिपक जाएगा, थोड़ी सी हरी चटनी एंड आवर प्लेट इज रेडी। टेल मी दिस इज नॉट द बेस्ट लेफ्ट ओवर काले चने कबाब रेसिपी, आई चैलेंज यू। सो जैसे आपने देखा प्रोसेस बहुत सिंपल है, आई लाइक टू डू ऐसे, आप कैसे भी कर सकते हो। इसके अंदर एक और चीज़ मैं पहले करता था, बरिस्ता होता है ना फ्राइड अनियन, मतलब प्याज को ऐसे पतला पतला काट के उसको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाता है जो बिरयानी पे पड़ता है, उसको भी लोग फिर पीस के कबाब में डालते हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। बट ये लेफ्ट ओवर काले चने से आप जब बनाते हो तो इसका मोस्ट ऑफ द बेरिस्टा वाला काम हो ही चुका होता है, क्योंकि वो प्याज को भूनने में बहुत मेहनत लगती है। वो काले चने की कुकिंग पाजी की रेसिपी की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, देखना, वो सारी मेहनत आपके लिए हो रखी है। तो इसमें कुछ एडिशनल टेस्ट की मेरे को तो फील नहीं होता कि मतलब इतनी मेहनत भी करो और टेस्ट भी है, इसलिए आई डू इट विदाउट बेरिस्टा। बाय ऑल मीन्स आप बेरिस्टा से बनाइए अगर आपको वो टेस्ट पसंद है। तो टेस्टिंग टाइम, अब ये देखना ये कबाब इतना सॉफ्ट है कि मैं इसको एक मतलब होल्ड कर सकता हूँ। ये देखो होल्ड करा हुआ है मैंने इस कबाब को, और अब अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये गिर जाएगा। मैं बिल्कुल भी ब्रैग नहीं कर रहा, बट ये कबाब मोस्ट रेस्टोरेंट्स के कबाब से अच्छा है। ये लेफ्ट ओवर काले चने का बना हुआ है क्योंकि सारी मेहनत काले चने बनाने में हो चुकी है। नाउ यू जस्ट नीड टू गिव इट एक शेप एंड जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। ओहो
लव इट। वाओ, बस ना कुछ कुछ हल्के से काले चने के पीसेस है ना, वो थोड़े थोड़े से रह गए हैं, और अच्छे से फाइन पीसूंगा ना इसको तो इसका टेस्ट परफेक्ट परफेक्ट आएगा। कबाब एकदम मुंह में घुलने वाला। दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज़्यादा बनाओ लेफ्ट ओवर काले चने के कबाब। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।